अभी तक सूरज नहीं आई है, ठीक है? अब 52 मिनट तक नहीं आए बढ़िया आए बढ़िया क्या जब भी शुमर में इतनी हसीन है तो जब शोला की होगी तब क्या आपकी होगी? आपको शर्माना देश से मुझे कोई शर्म का नहीं, मुझे तो शिकली की जरूरत है। तुम सारी बुढ़िया को संभालो, जरूरी आपको हम संभाल ले। जिसने भी मुझसे बगावत की उसकी सजा। किया हाल तुमने भाई मैया तुम बेटा आज तुझे आके आते बहुत दिल कर दी मेरे लाल, लेकिन जाते जाते मैं तुझे सच्चाई बता के जाऊंगी कि तू मेरा बेटा सगा नहीं है। नहीं मेरे लाल, मानती हूँ कि तेरी उम्र उस वक्त करीब करीब 1 महीने की थी। तू महाराज विजय सिंह का बेटा है। क्या बेटा, मेरा समय आ गया है, मैं जा रही हूँ अपना और निर्मला को उठा के ले गए तो बचा ले, बचा ले बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस दिन से पैदा हुआ तेरा अंतिम संस्कार तभी होगा जब मैं अपनी बहन निर्मला को बचा के लाऊंगा। रामजादे प्रकाश सिंह, आज मैं तेरी हवेली में आऊंगा, अब देखूंगा तेरी बाजू में कितनी ताकत है। मैं आ रहा ठंडक आई है, क्या बताए भाई निर्मला कहने वाले ने कहा है कि जिन है सूरत खुदा Thank you.
खुशी खुशी है मिलेगी देते उठाओ खोल थोड़ा नजर करो पहले इसे नौकर बांध लो सूरज तेरी बजाओ कि हमारे बाप के गले बांध पे तूने हाथ डाल दिया तुझे मालूम हो जाएगा कि रही ठाकुरों के गले बांध पे हाथ डालने का अंजाम को बुलाएंगे और पहले मेरी बात समझ ले तेरे माँ बाप का तो खून हमने किया है लेकिन इंस्पेक्टर के सामने तुझे कबूल करना होगा कि अपने माँ बाप का तूने खून किया है हमारी हवेली में डाका डाला सामने से कैसे बताऊंगा कि तुम लोगों ने मेरे पिता का खून किया अगर तूने ये शर्म अपने सर नहीं लिया तो तेरी बहन के साथ जानता है क्या होगा उसकी ठंडी छलकती हुई जवानी को तू अपना जरूरी गुनाह कबूल करेगा या नहीं आप कैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा सब लग गई मेरी बहन को छोड़ दीजिए नहीं छुआ जाएगा मगर कब तक जब तक तू अपने राज सीने में दफन रखेगा जिसके लिए राज तेरे सीने से बाहर आएगा उसी दिन तेरी बहन की इज्जत का हेलो कौन इंस्पेक्टर साहब मैं प्रताप सिंह का बेटा अरुण सिंह बोल रहा हूँ हमारे हवेली में चार बदमाश आए थे तीन भाग चुके हैं और एक को हमने गिरफ्तार कर रखा है जल्दी आ जाइए नमस्ते आज हवेली में मैं अकेला बैठा था कुछ सोच रहा था अपने दिमाग में अचानक हमारे यहाँ डाकुओं ने थावा बोल दी धन दौलत लेने के साथ साथ मेरी जान लेने की भी कोशिश की वो तो मेरा बेटा अगर वक्त पे ना जाता तो मैं आज यहाँ जिंदा नहीं वाई वाई आज मेरा बेटा की शोभा बन गया होता तुम्हारा भी लिखा हुआ पड़ा है जास्ती डाका डालने के वास्ते बिल्कुल एक बात और बताओ फिर सभी डाकू निकल गए कम से कम चार थे यही डाकू तो भाग गए मेरा बेटा आया इस डाकू को पकड़ लिया इसीलिए इसको मैंने गिरफ्तार कर लिया आपके हवाले इसे करूंगा ये मेरे दिल में सोचा था आपके पास एफआईआर लिखाऊंगा इसीलिए मैं आपको तत्काल यहाँ बुला ये मुजरिम इतना खूंखार है साला अपने माँ बाप का इसलिए कत्ल भी कर चुका बिल्कुल खतरनाक है बिल्कुल और इतना ही नहीं इंस्पेक्टर साहब
अगर वो मेरा बेटा वक्त भी ना जाता तो शायद आज मैं भी जिंदा नहीं रहता। ये क्या इंसान होगा? अपने माँ बाप का जो न हुआ तो इस समाज का क्या होगा? सिर्फ आपकी कानून ही इसको सजा दे सकता है। हवालात ले चलो इसे लाकम में बंद कर दो, मैं थाने पे भी। इस मुजरिम को तो हम आरिश करवा दिया है, थाने में लाकम में बंद करवा दिया है। अभी अभी जाकर हम सारी हकीकत मालूम करेंगे। साले ने साफ साफ इजहार नहीं किया तो इस बदतमीज की हड्डियों का चूरन बना। बिल्कुल मुझे आपसे यही उम्मीद है। मैं तो सिर्फ आज के ही सहारे हूँ क्योंकि मैं कानून पर बहुत भरोसा रखता हूँ। आप तो पूरी सुन लिया करो, आपसे वादा कर रहा हूँ इस मुजरिम ने अगर जरा से पास छुपाने की कोशिश किया तो हम वादा कर रहे हैं इसे आजीवन कारावास की सजा के लिए भेज देंगे। हमारी सूरत देख रहे हो क्या? कभी देखा नहीं इंसान को क्या? देख रहे हैं तुम शराबी हो, शराब पीते हो। लुच्चा पुच्चा हमें तुम्हारा कहो क्या? लेकिन नहीं, कानून को हम हाथ में नहीं लेते हैं। कानून अपने हाथ में लोगे तो कितने बड़े जमींदार हो लेकिन सर जाओगे जेल। सर नहीं, हमारी बात समझो। बोलो बोलो। इसी के साथ उसी प्रकार से पेश आना जैसे मुजरिम के साथ पेश आया जाएगा। नहीं रिलैक्स इंस्पेक्टर साहब, ये नया खून का लड़का है, ऐसी गलती को क्षमा करना। आप मुझे आपके कानून पर भरोसा है। हम आपकी बात मानते हैं, जा रहा हूँ अभी सारे हाथियों का सिरन बनाने के बाद सारी हकीकत मालूम करूंगा। अगर जरा सा कमजोरी किया तो हम आजीवन कारावास की सजा के लिए। बिल्कुल थैंक्स इंस्पेक्टर, अभी फोन आओ बेटे। अरुण सिंह जोश से नहीं होश से काम लिया जाता है। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि ऐश दिमाग का इस्तेमाल कर लो, जोश में नहीं। कोई भी काम करो उसको होश में करो। मुजरिम आया है जी सर। मुजरिम कहाँ है? लाकम में सर। लाकम में बंद है जी सर। लाकम की चाबी किसके पास है? दीवान के पास है सर। दीवान के पास जी सर। जा सकते हैं। दीवान जी सर, अभी अभी ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली से जो मुजरिम आया है जी सर, मुजरिम कहाँ है? लाकर की चाबी किसके पास? मेरे पास है। आपके पास चाबी है जी सर? जा लाकर खोलकर मुजरिम की हथकड़ी खोलकर मुजरिम को हमारे साथ पेश करो। जो आप सूरज सूरज सूरज
खोल दे मेरी नसीहत, चलते समय आपसे नसीहत देकर गया था, आपको नसीहत देकर गया था कि मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे चले जाने के बाद तो ये से कदम नहीं उठाना जो तुम कानून की नजर में गुनहगार साबित किया हो। मेरे भाई मेरे दोस्त सुने और आज कैसा गजब तूने माता पिता को दुनिया से मिटा दिया और जमींदार प्रताप सिंह की हमेली पे जाती जाता डाला, आखिर सब तूने ये क्या किया? बोल मेरे भाई। अजय बस इतना समझ लो कि सब मेरी किस्मत का खेल, किस्मत ने लाजी मुझे भाई गिराया Yeah.
आखिर कौन है दुश्मन जो तुझे खून पिया से बुलाया है।